हेलो दोस्तों, नमस्कार। टेक्निकल मिस्त्री में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम दीवार में जो फ्रंट की टायर लगाते हैं उसके बारे में बताएंगे कि किस तरह से उसकी चाल बन जाती है और किस तरह से वो लगाई जाती है। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले क्या करना है, जो दीवार में कॉर्नर होते हैं उनकी टाइलें को कटिंग करनी है। और कटिंग दोस्तों हमने किस तरह से करनी है वो उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले हमें एक ब्लेड लेना होता है, जो ब्लेड कुछ इस तरह का है, इसको हम सीडी ब्लेड कहते हैं। ये थोड़ा सा पतला होता है, इसकी कटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो देखते हैं दोस्तों इससे कटिंग कैसी होती है। तो देखिए दोस्तों, इससे कटिंग बहुत ही अच्छी और प्यारी कटिंग हुई है। देखो बिल्कुल साफ सुथरी कटिंग है, कहीं से भी टूटा फूटा कोना नहीं है। क्योंकि जब हम टाइल को साफ सुथरी काटेंगे तो हमारी जो कॉर्नर है बहुत ही अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, आपने इसी तरह का ब्लेड इस्तेमाल करना है। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, कटिंग के लिए हमने ग्राइंडर का इस्तेमाल करना है। और ये ग्राइंडर है, आपने कटर नहीं लेना है, क्योंकि ग्राइंडर हल्का होता है और बढ़िया होता है, इसीलिए आप इसका इस्तेमाल करें। इससे कटिंग बहुत ही अच्छी और शानदार होगी। तो दोस्तों, इसके बाद दूसरा प्रोसेस चलता है हमारा का लेबल का। सबसे पहले आपने लेबल कर लेना है कि आपने लेबल की जो टाइल है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो टाइल सही होगी तो आपकी पूरी टाइल सही लग के जाएगी। तो दोस्तों, हम लोग इस तरह से करते हैं कि सबसे पहले हम जो छत होती है, छत से टाइल का नाप नीचे को लाते हैं कि छत की तरफ टाइल की कटिंग ना आए। अगर आती भी है तो बहुत ही माइनर सी कटिंग आए, क्योंकि टाइल कटने के बाद वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। तो उस तरह से हमने नीचे लेबल लेना है और फिर लेबल के हिसाब से टाइलें ले जानी है लगा के। तो दोस्तों, आप वीडियो में बने रहें और देखते रहें कि किस तरह से हम टाइल लगा रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी और भी वीडियो है जो आपको काफ़ी काम लगेगी, उन्हें आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें और वीडियो को देखें।